अच्छा जी, आज से हम एक ये टॉपिक शुरू करें, डोंट से येस व्हेन यू वांट टू से नो। कितने लोगों का मसला है ये? तकरीबन सब लोगों का। कुछ लोगों ने दिल में हाथ खड़ा किया। अक्सर लोगों को जब मैं बाउंड्री सेटिंग सिखाती हूँ और मैं उसमें कहती हूँ कि आपने नो बोलना है अपनी बाउंड्री को, एक हेल्दी लोगों को अपने साथ बताना है तरीकाकार इंटरेक्ट करने का, तो वो कहते हैं कि ये तो बदतमीजी लगेगी अगर हम किसी को नो बोलें। तो उसमें ये होता है कि तरीका स्मार्ट जो होता है वो सीखना होता है, और मुझे लग रहा था कि शायद इस टॉपिक पे हमने कोई बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं की प्रॉपरली, तो इसको टच करने की बल्कि इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। अगर हम इंसानों को देखें कहीं पर भी, तो उनका दिल चाहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है उसमें सुकून हो, उसमें फुलफिलमेंट हो, हमें रिस्पेक्ट मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम इस दुनिया में रहते हुए अक्सर औकात अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। हमें अक्सर औकात लगता है कि कोई भी चैलेंज आ रहा है तो उसमें मेरी ही ज़ात का मसला है, और कई दफ़ा होता भी है, दोनों तरफ मसला हो सकता है जब हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आप ये भी देखें कि हमें एक्सप्रेस नहीं अपने आप को करना आता, फिर हम दिल में सोचते रहते हैं कि फलां शख्स को मेरे लिए ये करना चाहिए, और वो अफराद जो होते हैं वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहे होते हैं। जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो ये वो अफराद होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अपने आप को असर्ट नहीं कर सकते, इनका असर्टिव बिहेवियर नहीं होता। क्योंकि आपको सही जगह पर यस बोलने के लिए और सही जगह पर नो बोलने के लिए असर्टिव होना पड़ेगा। यानी अगर आप स्किल सीखें, कौन सा आपको सीखना है वो ये है। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है इनहिबिटरी पर्सनैलिटी। वो कैसी होती है? जब उनको कोई काम कहा जाता है तो उनके पास हज़ार हा एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते। जब उनको कोई और शख्स रूल्स देता है तो उनके अंदर बड़ी कुड़न होती है, लेकिन वो चुप करके जो कहा जाता है वो करते चले जाते हैं। और उनको कभी नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग दूसरे होते हैं, कंट्रास्टिंग एंड पे होते हैं, वो असर्टिव होते हैं। उनको अपनी फीलिंग्स का पता होता है, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, वो बहुत क्लैरिटी से जानते हैं कि मैं अगर किसी सिचुएशन में भी हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं कि जब उनको कोई मसला आता है ना, तो वो कहते हैं कि छोड़ो, क्या ज़रूरत है किसी को कुछ कहने की, मेरी ज़ात अगर सफ़र करती है और बाकी लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो ठीक है, गुजारा कर लो, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अंदर अंदर वोल्केनो। एक तो अंदर अंदर हम कुड़ते रहते हैं, कभी कभी सारी ज़िंदगी कुड़ने से हमें फिजिकल बीमारियाँ और इमोशनल बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा ताल्लुकात कैसे होते हैं? ठीक ही नहीं होते ना। अक्सर औकात हम कहते हैं कि मैंने तो इतना बर्दाश्त किया, हर चीज़ मानी, फिर भी एक्चुअली वो ताल्लुक ताल्लुक है ही नहीं, इट्स समथिंग जस्ट वन वे, नॉट टू वे। हाँ, इट्स वन वे ट्रैफिक। मुझे यूँ फील होता है जैसे लोग मुझे यूज़ कर जाते हैं, मुझे ये फीलिंग आती है जब मैं नो नहीं कर पाती और मैं ले लेती हूँ काम, और जब उसका काम निकलता है तो वो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। मुझे फिर ये फीलिंग आती है इसने मुझे यूज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यूज फीलिंग आती है, इससे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होते, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं हो रही होती, और आप अजीब एक बेचैनी का शिकार होते हैं। और आप देखिए, जब आप बेचैनी का शिकार होते हैं ना, तो जो एक वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमने क्रिएटिव होना है, हमने क्लैरिटी से सोचना है, अपने आप को डेवलप करना है, हम कुछ भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि हमें अपने पूरे इस एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या करना है। अच्छा, नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो मेरा दिल चाह रहा है बस मैं उस पर हर जगह नो 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 बोलना शुरू कर दूँ। मकसद ये है कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल्स हो, कोई रूल्स हो, मुझे पता हो कि कहाँ तक मेरी हद है, कौन सी बात के लिए मुझे अल्लाह को जवाब देना है, कौन सी बात के लिए मेरे इससे रिलेशनशिप में खैर व बरकत आनी है, कोई फ़ायदा हासिल होना है, तो मैंने उसके मुताबिक अपने फैसले करने हैं। बात यह कि जब भी हमें कोई सिचुएशन पेश आती है तो हम अपने आप से ये सवाल कर सकें कि वाई डू आई हैव टू डू दिस, मुझे ये क्यों करना है। दूसरा, हम ये देख सकें कि जो भी फैसला करना चाह रही हूँ या मैं ये चेंज चाह रही हूँ, उससे फ़ायदा क्या हासिल होगा, क्या उससे वो मसला जो है वो हल होने की तरफ जाएगा। अगर जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने उस चीज़ को ठीक करना है। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, जब चेंज करने के बारे में सोचते हैं किसी मसले को, तो वो ना पास्ट में जाते हैं, वो कहते हैं
उस वक्त मैं ये कर लेती, उस वक्त मैं ये ना करती, उनको ये परेशानियां लगी रहती हैं. पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से फ़ायदा नहीं हासिल होता. मीनिंग पास्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पास्ट में मैं ये कर सकी ये नहीं कर सकी, तो हम लर्न हेल्पलेसनेस में जाते हैं. हमारा वो रॉन्ग बिहेवियर जो है ना, वो इंटेंसीफाई होता है. हमें अपने आप को बताना होता है कि ठीक है, जो पास्ट में होना था हो गया, अब मुझे क्या करना है, अपनी अब की ज़िंदगी जो है ना उसको बेहतर बनाने की तरफ जाना. तो क्योंकि हमने सही जगह पे यस और नो बोलने के लिए असर्टिव होना है ना, तो थोड़ा सा अगर हम देख लें कि एक असर्टिव इंसान होता कैसा है. पहली बात तो ये कि वो इंसान पॉजिटिव होगा, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रांग आपको नज़र आएगी. अच्छा, ऐसा इंसान क्या करता है कि किसी भी सिचुएशन में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में बयान कर देता है. ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान उसकी बात माने या सुने, क्योंकि हम अक्सर औकात ये समझते हैं कि लेट्स से अगर मैं असर्टिव हूँ, मैं अपनी बात बोलूँ, तो फिर शायद अगले इंसान पे फ़र्ज़ हो गया कि उसको बात सुननी है. मकसद सिर्फ ये है, जिसे कहते हैं ना हर्ड वॉइस होनी चाहिए, कि मैं 5 लोगों में बैठी हूँ और वो लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं भी अपना ओपिनियन दे दूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरा ख्याल है यहाँ ये होना चाहिए, मेरी ये नीड है, ये मैं बात कर सकूँ. दूसरा ये कि किसी भी लेवल पे हम कम्युनिकेट कर सकें, स्ट्रेंजर के साथ भी कर सकें, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकें, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, लेकिन अप्रोप्रिएट. मतलब ऐसी ऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे इंसान को हम आर पार कर दें. उस ऑनेस्टी में हमारी ज़िंदगी के मामले में इसको कहते हैं एक्टिव ओरिएंटेशन होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि मतलब मुझे क्या चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए अब मैंने अगर ये बोलना है और ये तरीका अख्तियार करना है, तो क्या वो रिजल्ट मिलने है? हम कई दफ़ा क्या करते हैं, अपने बबल में रहकर किसी के साथ मामला करते हैं, और जब दूसरा इंसान हम पे अटैक कर देता है या हमसे नाराज़ हो जाता है या मसला ख़राब हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये टेक्निक तो वर्क नहीं की. तो मसला टेक्निक का नहीं होता, मसला ये होता है कि किस शख्स को वहाँ पर क्या बोलना है. जैसे किसी ने आज मुझे कहा कि मेरी सास मुझे फलां फलां बात पे ये सुना रही थी, या मेरे ससुराल वाले मुझे किसी बात पे बहुत सी बातें कर रहे थे जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी बर्दाश्त करनी. मैंने उनसे कहा कि अच्छा फिर आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना उनको कह दिया, अपने ससुराल वालों को वहीं, के ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है. जब आप किसी बड़े को, और स्पेशली जब आपका सेंसिटिव रिलेशनशिप होगा, ये जुमला बोलेंगे तो क्या होगा, रिटेलिएशन मिलेगी. अगर वो फौरन नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन वो दिल में ज़रूर बात आ जाएगी उनके. हमारा अपना बच्चा भी अगर हमारे से कोई जरा बहुत ज़्यादा करे, तो इसकी ज़बान बड़ी तेज़ है, हमारे दिमाग में वो बात आती है ना कि भाई ये दुरुस्त रवैया नहीं है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी बात कहाँ पे करनी है, कितनी अप्रोप्रिएटनेस उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए. और इसमें ये भी आता है कि आप अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं. इस रिलेशनशिप में मेरी अगर ये लिमिटेशन है, अब्यूसिव नहीं है, तो मैंने फिर वहाँ पे बर्दाश्त भी करना है. असर्टिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप बुलडोज़र पे बैठे हुए हैं और सबको बुलडोज करते चले जा रहे हैं, और जो आपका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं. क्योंकि अक्सर औकात हम जब बात करते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं. अब हमारा एक मसला भी है, बचपन से जवानी तक हमें ये असर्टिव बिहेवियर ना तो प्रैक्टिस करने दिया जाता है, ना हम कहीं पर उसको कोई मतलब किसी तरह से भी अप्लाई नहीं कर पा रहे. जैसे बच्चा छोटा है तो वालदेन जो हैं वो सेंसर कर लेते हैं उसके सारे डिसीजन. हम हर बात पे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए फैसला करना है, जबकि तरीका क्या होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट डिसीजन टेकिंग बच्चों से करवाएं. इस उम्र में बच्चे को क्या करना चाहिए, यानी 4 साल का बच्चा क्या डिसीजन खुद से ले सकता है, 8 साल का बच्चा, 10 साल का, 18 साल का, 20 साल का. तो एक दफ़ा मेरी मदर मेरे भाई के लिए किसी बात पे परेशान थी, इस तरह छोटी सी कोई बात थी, मैंने उनसे पूछा इस कितने साल का है वो, तो उन्होंने मुझे यूँ देखा कि ये क्यों पूछ रही है, तो मुझे ये कहती है वही 40+ का. तो मैंने कहा अभी 40+ के बच्चे के लिए ये फिक्र और ये तरीकाकार जायज़ नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर लें यहाँ पर, और लेट हिम टेक दैट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ. तो आप देखिए ना, हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को किस हद तक डिक्टेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर असर्टिव बिहेवियर नहीं आता. मशवरा आप दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर हमने बचपन से उसको अप्रोप्रिएटनेस सिखाई होती है. और दूसरा ये कि पेरेंट्स के लिए ये होना चाहिए ना, कहीं रेड फ्लैग आ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग काम कर रहे हैं, गलत काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत बुरा डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पे तो हम बात करेंगे, लेकिन नॉट एवरीवेयर. पहला ये कि बचपन से जवानी तक
हमारे इतने कंट्रोलिंग बिहेवियर्स होते हैं जिससे उस बच्चे को सही जगह पे यस नो बोलना नहीं आता, उसको हर वक्त डिक्टेशन मिल रही होती है, उसको ये तरीका नहीं सिखाया जाता कि कैसे रिस्पेक्टफुली आप यहाँ पर इनकार कर सकते हैं और उसमें क्या अल्फाज चुन सकते हैं। ये भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर इसके बाद स्कूल हम जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी अब हमें टीचर्स से डिक्टेशन मिलना शुरू हो जाती है, हमें रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं और वहाँ पर भी यही एटीट्यूड होता है कि कोई ये नहीं कह सकता बट वाई, उस पर होता है क्या मतलब है, बदतमीज़ बच्चा है। पेरेंट्स को फ़ौरन बुला लिया जाता है अगर बच्चा कहीं पर सिर्फ टीचर को ये पूछ लेता है कि मुझे ये क्यों करना है, तो हम ये नहीं करते कि उसको कोई सही जवाब दे सकें, हम वहाँ पर भी उसको रोक टोक करते हैं। फिर वो जब अपना जॉब स्टार्ट करता है या शादी होती है, स्पेशली लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको फिर ये बताया जाता है कि भी आपने चुप रहना है, खामोश रहना है, बर्दाश्त करना है, तो असर्टिवनेस किसी लेवल पे भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और इसी वजह से आप देखें कि हम कंडीशनड हैं फॉर ऐसे बिहेवियर्स के लिए कि ज़रा हमें कहीं पे नो बोलना होता है तो हमारे अंदर कोई एक फियर सा आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं और हमें लगता है कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो बाकी लोग चाह रहे हैं वो कर दो और तुम्हें नहीं कुछ करना चाहिए। अच्छा, फिर हमारा जो दीनी पैराडाइम होता है वो हमें सिखाता है कि अगर मैंने अपने लिए कोई स्टैंड ले लिया, और हमें बताया भी जाता है कई दफ़ा कि ये क्या हो जाएगा, ये सेल्फिशनेस हो जाएगी, तुम सेल्फिश हो अगर तुमने अपनी ज़ात के बारे में सोच कर ये फैसला किया। तो ये हमारी कंडीशनल एक रिफ्लेक्सेस हैं, हमने सीख लिया है ये किसी ना किसी लेवल पे कि हमारा जो भी टेम्परमेंट है, जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अंदर से बेचैन रहना है लेकिन बाहर से उस सिचुएशन को जैसे हम चाह रहे हैं हमने उस तरह से हैंडल नहीं करना, हम वहाँ पे बस बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है कि हमें कोई एक बैलेंस चाहिए होता है कि हमारे जो अंदर के ये सारे तरीके हैं उनको हम ठीक करें। उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें हकूक व फ़राइज़ का पता होना चाहिए, यानी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम करने पे मुझे अल्लाह को जवाब देना। अक्सर औकात होता है ना कि हमें अफराद कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना, लोग हमें गिल दे रहे होते हैं कि तुमने कैसे ये बोल दिया, तुम्हारे दीन ने तुम्हें ये सिखाया। शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान मजीद में आता है कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है, तो मतलब देखिए ना वो वाला ताना तो जो है ना वो चलता ही जा रहा है ना उस तरह से, लेकिन हमें उस वक्त ये समझना होता है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। हमारे लिए तो मुसलमान होने के नाते ये समझना कितना आसान हो जाता है ना, दुनिया में वो अफराद जो दीन को फॉलो नहीं करते उनमें असर्टिवनेस के साथ थोड़ी मैं आ जाती है, ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, लेकिन अगर आप दीन प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप कहते हैं कि मैंने सही जगह पे असर्टिव होना है, तो फिर आप ये हर मौके पे सोचते हैं कि मैं अल्लाह को यहाँ पे मुझे जवाब देना होगा, अगर जवाब देना होगा तो फिर मुझे ये करना है। अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को जब मैं पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं ये जो आप फैसला करना चाह रही हैं और आप खामोश रह रही हैं इस पर, तो क्या अल्लाह ताला आपसे मतलब इस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अगर आप अदरवाइज करें, या ये कि क्या अल्लाह ताला आपसे पूछेगा नहीं कि आपने सही फैसला नहीं किया, यहाँ पर आप डर गई, आप पीछे हट गई, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? वो खुद ही कन्फ्यूज होती हैं, वो कहती हैं मुझे यही तो नहीं समझ आ रही। तो हमें ऐसे मौके पे अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए और दीन को बहुत क्लैरिटी से पढ़ना चाहिए, जितना हमें ये पता होगा कि मेरे राइट्स क्या हैं और दूसरे के राइट्स क्या हैं, ताकि मैं कोई हद ना क्रॉस करूँ किसी भी मामले में, यानी मैं क्लैरिटी से कोई फ़ैसला करूँ फिर मुझे गलत जगह पर गिल्ट भी ना आए। फिर ये मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी मामले में अगर अल्लाह ताला ने मुझे किसी सिचुएशन में डाला है और मुझे क्लैरिटी से पता है कि यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना है उसके बारे में मैं कितनी क्लियर हूँ। और तीसरी बात ये कि उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए, यानी अल्लाह ताला ने जो दायरा दिया है, इमोशनल फ्रीडम मेरे अपने पास है। हम अपना इमोशनल फ्रीडम भी दूसरे इंसान को देते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, उसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी वजह से रोना, क्यों आया रोना और डिप्रेशन और सब कुछ। अगर आप किसी को नो नहीं कह रहे, अगर आपके दिल में ये हो कि मैं इसी वजह से नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ने कहा किसी का दिल नहीं दुखाना, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपने ये फैसला किया कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, तो आप अगर आपका दिल भी चाह रहा था कि वो काम वैसे ना करें आप करते हैं, तो एक तो ओनरशिप होनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो ओनरशिप के साथ कर रही हूँ, फिर मैं उसके बाद उस पर दुखी नहीं रहूँगी, फिर मैंने अल्लाह की खातिर किया, फिर मेरे अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि मैं बस खुश रहूँ।
लेकिन मैंने कर भी दिया, मैंने ये भी सोचा और फिर मैंने दुख भी खूब मनाया, ये गलत होगा। दूसरी बात, मैंने ये तो सोचा कि इसका दिल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जो 50 लोगों का नुकसान हो गया या लॉन्ग टर्म में कितने बुरे असरात आ गए मेरी ज़िंदगी में या और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में और अफराद की ज़िंदगी में, तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैंने फ़ैसला तो वही बात है जो सोच लिया है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इस्तखारा भी किया, मशवरा भी किया और बहुत इस्तफार पढ़ के ये फ़ैसला किया ये करना है। अब उसके लिए तरीका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि हम तरीका अप्रोप्रिएट नहीं इख्तियार करते हैं, और इंशाल्लाह ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि हमने कैसे करना है। फैसले करते हैं जो जिसमें हमें हेल्प मिल जाती है दीन से, वो तो बहुत आसान है कि अल्लाह ने सोचा कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया उसकी हमने फॉलो कर लिया। जो प्रैक्टिकली एक लाइफ गुजारने वाले उसमें कोई दीन का ताल्लुक नहीं। आपका सवाल ये है कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली दीन से रिलेटेड हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कोई हाँ ना बोल के असर्ट करके अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है। अब ऐसे मौके पे जो चीज़ हमने याद रखनी है ना, ये है कि हमारा दीन हमें सिखाता है प्रिंसिपल्ड अप्रोच। यानी प्रिंसिपल्ड अप्रोच क्या है, अगर वो मामला डायरेक्टली दीन से नहीं रिलेटेड लग रहा लेकिन एक माँ बाप हैं और वो कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने कोई हाइकिंग करनी है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना, छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर हम चार लोगों से पूछें जो उन उस फैमिली को नहीं जानते, जो ज़रा एक्सपर्ट हैं पेरेंटिंग के या कुछ, तो वो क्या जवाब देंगे? मेजॉरिटी ये कहेंगे ये नहीं करो। तो फिर हमें वहाँ से प्रिंसिपल्ड अप्रोच पे जाना होता है। आसपास के हमारे अफराद होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं हमारी ये इस किस्म की एक पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में, लेकिन अगर किसी को ये कोई ऐसा शख्स नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको डिवेलप नहीं कर सकता। जिसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं वीक हूँ और उसके इन्वायरमेंट ने भी उसको सिखा दिया, वो ऐसे ही करेगा। कहते हैं मसलन फ़र्ज़ करें मुझे अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और मेरी मदर ने फ़ोन किया कि आ जाओ। अब मुझे असेस करना है ना कि वो कितनी बड़ी नीड है, मैं फारिग भी हूँ और वो खुश भी हो जाएंगी मैं चली जाऊँ, वो बहुत डिस्ट्रेस में है मैं बिज़ी हूँ फिर भी मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स अपने कामों को छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन मुझे अगर लगता है कि मेरा भी कोई बहुत ज़रूरी काम है और वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो मैं स्मार्टली उनसे डील करूँ ना, बजाय इसके कि मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ कहूँ कि क्या अम्मी आपको हर वक्त मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप खुद भी कुछ कर लिया करें। हम झुंझला जाते हैं अपने बूढ़े वालदैन के साथ, तो हमें प्यार मोहब्बत से कहना चाहिए जी मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, जी मैं अभी आपसे बात करती हूँ। वो एक दिन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। जब हम सही जगह पर येस और नो बोलते हैं ना, तो हम अपने इर्द गिर्द रिलेटिव्स को ये तरीके भी सिखाते हैं कि कैसे इंटरेक्ट करना है। जैसे मेरे भी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको कई दफ़ा बहुत मुश्किल लगता था कि जी ये हर वक्त पढ़ा रही है काम कर रही है, लेकिन अब आहिस्ता 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 वक्त के साथ उन्होंने सीख लिया है। फिर भी हर वक्त चैलेंज रहता है, हम ये समझते हैं कि येस एंड नो करके ना मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जानी है। आसान नहीं होगी, हर वक्त आपकी एक स्ट्रगल होगी कि मैंने यहाँ पे कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। असर्टिवनेस जो होती है ना, दिस इज फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल टू सेल्फ एस्टीम। असर्टिव आप होंगे तो सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगी, या सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तो आपके लिए असर्ट करना आसान होगा। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि अब आप टेंशन्स को भी सही हैंडल कर रहे हैं और साथ साथ आप कामयाब होने के सही फार्मूले जो हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझते हैं कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे किन के साथ कैसे डील करना है। बार बार आप अपने आप से अगर सवाल पूछते रहें कि मैंने अगर किसी जगह पे नो बोला तो मुझे अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपने लिए बढ़ रही है कि मैंने सही काम के लिए सही जगह पे बोल दिया नो, तो यू विल बी सेटिस्फाइड। आप नोट करें, हम अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो हमारे ऊपर वैसे ही बोझ होता है, हमें बोझ आता है। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे होते हैं तो वो जो बोझ हम लेते हैं पता कौन सा होता है, इमोशनल बोझ लेते हैं कि जो लोग हमें कह रहे होते हैं, सोसाइटी ने हमें बता दिया होता है। तो बिहेवियर कोई भी जो होगा ना वो आइसोलेशन में नहीं होगा, ये याद रखनी है बात कि मतलब मैं कुछ भी ना कर रही हूँ, किसी से भी ना मिल रही हूँ और आइसोलेशन में मैं कोई भी बिहेवियर दे रही हूँ। बिहेवियर जो भी होता है वो एक इंसान का जो होता है ना वो लोगों के साथ रह के ही तो होता है, यानी हाँ या ना हमने बोलना इसी तरह होता है। और इसके लिए अब एक पाथ है, एक पूरा साइकिल है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। होता क्या है कि हम जब भी कोई इनएडिक्वेट एक्शन करते हैं, यानी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं कर रहे होते ना, हम जब कोई भी हम डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं मैं मुझे ये क्या यहाँ क्या करना चाहिए, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकती, मैं तो किसी को ये नहीं कह सकती, मेरे से तो ये नहीं किया जा रहा, हम जब ये बात करते हैं हम सेल्फ डाउट्स में चले जाते हैं और उसके साथ हमारी फीलिंग्स सारी डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं।
जब फीलिंग डिस्टर्ब होती है तो हम फिर दोबारा कोई काम करते हैं जो दुरुस्त नहीं होता. जब वो दुरुस्त नहीं होता तो हम अपने बारे में फिर दोबारा से डाउटफुल हो जाते हैं. जब डाउटफुल होते हैं तो फिर हमारी फीलिंग्स और डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम इस लूप में से नहीं निकल पाते. तो आपको अगर ये देखना है ना कि आप इस लूप में हैं कि नहीं, तो अपने आप से चंद सवाल पूछ लें. जैसे अगर आपको लगता है हर वक्त आप डरते रहते हैं कि कोई शख्स ऑफेंड ना हो जाए, नाराज ना हो जाए मुझसे, तो फिर क्या होगा, आपसे उतनी ब्लंडर्स होंगे. इसी तरह जब हम दूसरों को एक स्पेस दे देते हैं कि वो अपने मतलब का काम हमसे निकलवा लें, जबकि हम अंदर से सोच रहे होते हैं मैंने इनकार कर देना है, मैंने नहीं करना, और फिर वो हमारे पर प्रेशर डाल के वो सारा काम करवा लेते हैं. या ये कि हम अपनी कोई जो जायज़ ख्वाहिश है या बात है हम उसको कह ही नहीं पाते किसी को, या हम समझते हैं कि दूसरों के हकूक हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी खैर है दूसरों को जो चाहिए वो मिल जाए. या हम इस तरह से सोचते हैं कि कोई भी ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर हो, जो बॉसी फिगर हो हमारी लाइफ में, हम उसके आगे बिल्कुल चूहा बन जाते हैं, हमसे कोई बिल्कुल हाँ ना भी नहीं बोला जाता और हर गलत शलत बात हम सुन लेते हैं. या ये कि हम लोगों की बातों से बहुत जल्दी हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि हम फिर भी वही काम करते चले जाते हैं. या हमें मिजरी बहुत हमारी बढ़ रही होती है किसी रिलेशनशिप में और हमें समझ नहीं आ रही होती क्यों. या जनरली हम लाइफ से खुश नहीं होते और फिर हम कह रहे होते हैं, अपने आप से सवाल बार बार उठाते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि हमें वो तरीका नहीं आ रहा था, अपनी बाउंड्री सेटिंग नहीं आ रही थी. या हम पुश्ड फील करते हैं कि मतलब मैं अपने लिए कहीं पे भी स्टैंड नहीं ले पाती. हमें लोनलीनेस बहुत होती है चाहे हमारे इर्द गिर्द बहुत से अफराद भी हों. हम इन्फीरियर बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, यानी जहाँ पे भी इनएडिक्वेसी आ रही होती है ना, तो समझें कि वहाँ पे मसाइल में गड़बड़ है. अब हम इसको आगे जो सीखेंगे तो हम तीन लेवल पे इस पे काम करेंगे. पहला होता है आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना होता है. दूसरा लेवल जो आ जाता है, अब आपने बेसिक स्किल सीखने होते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस पे चलेंगे. तीसरा लेवल आता है, अब हम लोगों से इंटरेक्शन पे बात करेंगे कि इंटरेक्शन हमने लोगों के साथ कैसे करनी है. लेकिन छोटे छोटे दो तीन सवाल हैं. जैसे कोई कहता है कि अगर मैं बचपन से ऐसी थी, मैंने कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं किया, तो क्या मैं अब कर सकूँगी? बिल्कुल कर सकेंगे. जब हम वो स्किल सीखेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा. ये तो नहीं होगा कि मैं एक काम ठीक करने जाऊँ तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाए और मसले शुरू हो जाएँ. मसले तो होंगे. यानी पहली बात तो ये है कि जब आपने हमेशा लोगों की बात मानी और अब आप थोड़े असर्टिव होंगे तो थोड़े थोड़े लोग नाराज होंगे, आपसे पुट ऑफ होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर सेटल हो जाएगा. आपका भी सेटल हो जाएगा, आपको भी समझ आनी शुरू हो जाएगी और लोग भी आपको उस तरह एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन ये भी याद रखें, जिंदगी में फिर और चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर कोई और किस्म का चैलेंज आ जाता है. तो हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज आ रहा होगा, उसके लिए हो सकता है कहीं असर्टिवनेस हो सकता है कहीं और कोई स्किल हो, तो वो आपको सीखना पड़ेगा. फिर ये भी है कि क्या इंसान जो असर्टिव होता है वो मैनिपुलेटिव हो जाता है? क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है ना कि मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं, शरीफुल नफ्स हैं, तो बस खामोशी से कबूल है कह के हर बात मान लें. तो अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और थोड़ा सा कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या आप मैनिपुलेटिव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप अपने जायज़ हक के लिए जायज़ जगह पर जो काम करना चाहिए, जो आपको भी बेहतर बनाए और दूसरे लोगों को भी बेहतर बनाए, उस काम में आप जो है ना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं. अगर कोई दूसरा इंसान आपके साथ कॉपरेट ना करें तो फिर भी आप किसी हद तक एक अपनी हेल्दी बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा किए बगैर. हमने ऐसे तरीके से काम करना होता है जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, या घी निकालने के लिए उंगलियों को टेढ़ा कर लेना होता है. यानी वो स्मार्ट तरीके सीखने होते हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को नो कह सकें. तो इस वीक का टास्क क्या है आपका? आइडेंटिफाई करना है कि कहां मैं नो नहीं कह पा, या कहाँ गलत जगह पे यस बोल रही हूँ, और मैं अपनी जात को अंदर से कितना पहचानती हूँ.